महफूज कहाँ थे आप? काफी देर से आपसे रابطہ करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी को लेकर जाना था लेकिन आप यहाँ से गायब हो गए। कॉल्स का पता ही नहीं चला। अजीजा सलान बे के यहाँ से जाने के बाद मैंने कुछ जगहें ढूंढी है जहाँ आप अपनी माँ से अकेले में मिल सके और किसी को शक भी ना हो। बस कुछ दिन लगेंगे, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया। दादी जान के सामने किसी गलती का चांस नहीं ले सकते। आप कॉल्स क्यों कर रहे थे? कोई मसला हुआ है क्या? जा रहा हूँ कहीं, बताना चाहता था। कहाँ? याद है मैंने कहा था कि अगर मैं आजाद से दूर रहा तो खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो आ गया। तुम्हें पता है वो मुझसे मिलना चाहता है, और अब शादोलो खानदान के करीब होने का वक्त आ गया है। लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। ठीक है, लेकिन आजाद से मिलते वक्त हर बात का ध्यान रखना। बाज़ औक़ात जज्बात में घिरा हुआ इंसान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हें शादोलू खानदान के इतने ही करीब होने दूंगा जिससे रियान को नुकसान ना पहुंचे, और अगर तुमने वहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना रियान मेरी इकलौती बेटी है। असलान अभी घर से निकला है, उस पर कड़ी नजर रखना, जरूरत पड़ी तो जानते हो क्या करना है। देखते हैं शादलो खानदान के करीब होना इतना ही आसान है जितना असलान को लगता है। और अगर इससे कुछ ना हुआ तो? पत्थर से सिर्फ परिंदे को डराया जा सकता है महमूद, लेकिन शिकार मुख्तलिफ तरीके से होता है। जब काम हो जाए तो वापस आ जाना। मुश्किल तो होगा लेकिन ये करना भी जरूरी है अजीजे, और इसलिए भी जरूरी है ताकि असलान की जान बच सके और वो यहां रह भी ना सके। अच्छा, तो असलान को यहाँ से भेजने के लिए कर रही हैं ये सब? अजीजा, हेलो बेटा असलान, बेटा